सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे टॉपिक का विषय है, हमारे डिस्कशन का विषय है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट सेंट्रल लेवल, यानी कि केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की क्या भूमिका है भारतवर्ष में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जाने कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। Educational administration is regarded as the process of integrating the appropriate human and material resources. मतलब ये कैसी प्रक्रिया है? ये integration की प्रक्रिया है। हमने जोड़ दिया है, समेकित कर दिया है किसको किसको? Human resource और material resource को, यानी मानवीय संसाधन और ये जो material संसाधन है उन दोनों को हमने जोड़ दिया है appropriately। मतलब कैसे भी नहीं जोड़ा है, appropriately जोड़ा है। कैसे, किस हिसाब से? That are made available, जो हमें उपलब्ध है, and made effective for achieving the purposes of a program of an educational institution, है ना? और कोई जो शैक्षिक संस्था है उसके जो भी प्रोग्राम्स चलते हैं उनके उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए सबसे प्रभावपूर्ण तरीके से कैसे जोड़ा जा सकता है ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स को, यही प्रक्रिया एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है। तो शैक्षिक प्रशासन क्या हुआ? समेकीकरण की प्रक्रिया है, एकीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें हम मानवीय और पदार्थ जितने मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हैं उनको हम जोड़ते हैं इफेक्टिवली, सो दैट क्या हो सके, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रोग्राम के पर्पसेस हैं उनको हम अचीव कर सके। फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट रिफर टू एनी सिंगल प्रोसेस, कोई एक प्रक्रिया का नाम शैक्षिक प्रशासन नहीं है, बल्कि डिफरेंट प्रोसेसेस, बहुत सारी प्रक्रियाएं जिनमें क्या क्या आएगा। दीज आर प्लानिंग, योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग, उसको संगठित करना, डायरेक्टिंग मीन्स निर्देश देना, कोऑर्डिनेटिंग मीन्स समन्वय स्थापित करना, एंड इवेल्युएशन मीन्स मूल्यांकन करना। तो इतनी सारी प्रक्रियाएं आएंगी तब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इवेल्युएटिंग। ओके, फिर बेसिक टास्क ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हमसे ये पूछा जाए कि शैक्षिक प्रशासन के मुख्य कार्य क्या हैं, तो क्या होंगे इसके मुख्य कार्य? तीन मुख्य कार्य हैं। पहला क्या है? स्टेटिंग द स्पेसिफिक पर्पस एंड मिशन ऑफ एजुकेशन इन जनरल एंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन पर्टिकुलर। मीन्स कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, उनको, शिक्षा के उद्देश्यों को साधारण तौर पर बताना, और जो इंस्टीट्यूशन है हमारा उसके उद्देश्य को विशिष्ट तरीके से बताना शैक्षिक प्रशासन का पहला उद्देश्य है। ओके, पहला उसका टास्क है कि हम एजुकेशन के टॉपिक, एजुकेशन के पर्पस को इन जनरल स्टेट करेंगे, और जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको पर्टिकुलरली। फिर इंश्योरिंग दैट वर्क इज प्रोडक्टिव बाय नर्चरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू बी प्रोडक्टिव इन देयर एक्शंस। देखिए, बार बार इसमें खास बात हमको इतने देर में ये समझ में आ रही है कि शैक्षिक प्रशासन में ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज पर बहुत ध्यान दिया गया है। तो ह्यूमन रिसोर्स को हमको नर्चर करना है, पल्लवित करना है, पुष्पित करना है, उसका पोषण करना है। सो दैट, क्यों ये सब करना है? जिससे वो प्रोडक्टिव इन नेचर हो सके, वो उत्पादक बन सके, समाज में वो कुछ हमको कॉन्ट्रीब्यूट करके दे सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है? डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट। इस तरीके के वातावरण की हमको भूमिका बनानी है, उसको मेंटेन करके रखना है। कैसे, कैसा होना चाहिए वो एनवायरमेंट? इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स इफिशियंटली टू अकॉम्प्लिश सेट गोल्स। जिसमें कि काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो समूह में इफिशियंटली काम करके जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर सकें। यानी कि शिक्षा के उद्देश्य को इन जनरल बताना, इंस्टीट्यूशन के उद्देश्य को पर्टिकुलरली बताना, फिर हमको ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव बनाना है, और एक हमें ऐसा बढ़िया एनवायरमेंट तैयार करना है जिसमें कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो समूह में कार्य कर सकें। और समूह में किस तरह से कार्य कर सकें? इतनी अच्छी तरीके से कार्य कर सकें कि वो गोल को प्राप्त कर सकें, यानी कि कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, शैक्षिक प्रशासन का भारत में अगर हम इतिहास देखना चाहें, तो हम जानते हैं कि 1976 में जब हमारे संविधान में अमेंडमेंट यानी संशोधन हुआ है, तब शिक्षा को कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बनाया गया है। उसके पहले शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं थी। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब आप जानते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों ही ये तय करेंगे शिक्षा पे शैक्षिक नीतियां बनाने के लिए। फिर
नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 जो अभी हमारी नेशनल एनईपी आई है, उसके पहले जो मेन सबसे महत्वपूर्ण एनपीई था जिस पर हम लोग इतने सालों से काम कर रहे थे, जिसके तहत हम लोग काम कर रहे थे, वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 था जो कि मॉडिफाइड हुआ 1992 में, या हम इसको पीओए के नाम से भी जानते हैं ना, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो उसने क्या कहा, डिफाइंस द मेजर गोल्स फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन एज, तो उसने जो एलिमेंट्री लेवल की शिक्षा है उसके लिए हम मेजर गोल सेट किया। क्या गोल सेट किया कि यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट होना चाहिए, यानी कि सब तक पहुंच हो, है ना, इनरोलमेंट हो सबका, और यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 इयर्स, यानी कि 14 साल तक हम कम से कम बच्चों को शैक्षिक इंस्टीट्यूशन में रोक पाए, रिटेन करके रह पाए। क्यों? क्योंकि जब आप एजुकेशन के स्टूडेंट हैं या एजुकेशन पढ़ने पढ़ाने वाले हैं तो हम लोग जानते हैं वेस्टेज और स्टैग्नेशन बहुत ज्यादा प्राइमरी एजुकेशन में था, अब कुछ हद तक कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा था। इसलिए ये माना गया कि हम 14 वर्ष तक के बच्चे का रिटेंशन रखेंगे। फिर कई प्रोग्राम इसके लिए चलाए गए, जैसे कि सेवरल प्रोग्राम सच एज द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी लॉन्च्ड इन 1994, यानी कि एनपीई 1986 की रिकमेंडेशन से ही ये बना है, एंड द नेशनल कैंपेन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, जिसको कि सर्व शिक्षा अभियान का नाम दिया गया। आप सभी जानते होंगे कि सर्व शिक्षा अभियान अपनी तरीके का विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जिसको कि लॉन्च इन 2001, इसको 2001 में लॉन्च किया गया। इसके अलावा अनदर फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इज द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए, एक तो यूईई होता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर हमने ये भी मान लिया कि हमने मतलब अपने लक्ष्य को और बड़ा किया कि हम एलिमेंट्री एजुकेशन का जब यूनिवर्सलाइजेशन कर लेंगे तो हम सेकेंडरी एजुकेशन का करेंगे, यानी कि पहले एलिमेंट्री दे दें सबको, फिर सेकेंडरी दे दें सबको, तब हायर पे, ऐसे हम स्टेज वाइज चले थे। द मेन एम और यूएसई का मेन एम क्या था, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड एजुकेशन टू ऑल इंडियन एडोलेसेंट्स अप टू द एज ऑफ 16 बाय 2015। पुराना है ना, इसलिए ये माना गया था कि 2015 तक हम यूएसई को प्राप्त कर लेंगे। एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 18, यानी और 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को हमने ये माना था कि 2020 तक हम प्राप्त कर लेंगे, यूएसई मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन आप जानते हैं कि 2020 बीत गया, हम 2021 में प्रवेश कर चुके हैं और अभी हम यूईई को ही प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ठीक है, फिर क्या? अच्छा, अगर हम ये बात करने जा रहे हैं कि हम सेंट्रल लेवल पे इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाहते हैं, तो MHRD का नाम आप सबने सुन रखा है, यही जो सेंट्रल एकदम धुरी और थीम थी। अब हम थी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे ही NEP 2020 आया है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है, है ना। लेकिन चूंकि हम अभी एनईपी 2020 को टच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसके पहले तक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सीन था उसकी बात इस वीडियो में कर रहे हैं। कैसे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के बाद चेंज हो गया है, इसको अलग बात करनी पड़ेगी, मतलब अलग टॉपिक पे, अलग मुद्दे पे, क्योंकि अगर इसको जोड़कर चलें तो बहुत ही लंबा हो जा रहा था ये, और बहुत लंबे वीडियोस भी बहुत बोझिल हो जाते हैं, फिर उसको कोई सुनता नहीं है पूरा। तो इसको हमने तोड़ दिया है कि 2020 से पहले तक का, और फिर 2020 का हम देखेंगे कि कैसे पूरा आमूल चूल परिवर्तन है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में। तो अभी तक यानी 2020 के पहले तक MHRD जो थी इसकी धुरी थी, और ये कब गठित हुई है, 26 सितंबर 1985। देखिए, आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, या वैसे भी अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो हमें ये सारे नाम पता होने चाहिए, और अगर हमें ये याद हो कि कब ये गठित हुआ है तो और अच्छा है। तो 26 सितंबर 1985 को MHRD लॉन्च हुआ, और द मेन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स रिलेटेड विद एडमिनिस्ट्रेशन आर, कौन कौन से मुख्य इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर थे या हैं, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स एंड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। लास्ट वाले को हम डाइट के नाम से जानते हैं ना, डाइट बहुत फेमस नाम है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। CRC हो जाएगा क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, BRC हो जाएगा ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, तो ये सारे एब्रिविएशन आपको पता होने चाहिए। अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, तो हमने बताया कि MHRD सब कुछ है, इसी का हम स्ट्रक्चर जानना चाह रहे हैं, क्योंकि MHRD को ये
सिंगल संस्था नहीं है, इसमें बहुत सारे, इसमें डिपार्टमेंट है, बहुत सारे लेवल पे ये काम करती है, इसलिए हमको इसका स्ट्रक्चर जानना होगा। तो क्या कह रहे हैं कि एमएचआरडी जो है वो तीन डिपार्टमेंट से मेनली मिलकर बना है। कौन कौन से डिपार्टमेंट? पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, फिर डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, है ना, क्रम से चल रहे हैं। पहले वाले को हमने नाम दिया डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री लेवल पे ही हम लिटरेट बनाएंगे बच्चे को। एंड फिर उसके ऊपर हम गए तो डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और उसके ऊपर यानी टर्शियरी लेवल पे क्या हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ओके, और ये जो मिनिस्ट्री है वो किससे गाइड होती है? द मिनिस्ट्री इज गाइडेड बाय द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। देखिए ये नाम हम लोग कई बार सुनते हैं केब, लेकिन इसका फुल फॉर्म भूल जाते हैं, तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वो बॉडी है जो एडवाइस देगी, है ना। कह भी रहे हैं क्या कि विच इज द नेशनल लेवल एडवाइजरी बॉडी, नेशनल लेवल की एडवाइजरी बॉडी है ये, और ये किससे मिलकर बनती है, गठित इसका संगठन क्या है, द एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि जितने भी डिफरेंट स्टेट हैं हमारे और उनके जितने एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो सब इसका हिस्सा होते हैं, आर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। तब जाके ये जो एडवाइजरी बोर्ड है वो मिनिस्ट्री को गाइड करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमको कुछ एपेक्स बॉडीज पता होनी चाहिए जो सेंट्रल लेवल पे काम करती हैं। इसमें से एक का हम जिक्र यहाँ कर रहे हैं और एक का लास्ट में करेंगे। दो मेनली एपेक्स बॉडीज हैं, एक एनसीईआरटी और एक नीपा। पहले इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहते थे, नीपा, जो कि बाद में कालांतर में न्यूपा हो गया, यानी इंस्टीट्यूट से बदलकर उसको यूनिवर्सिटी कर दिया, तो उसके बारे में बाद में, पहले एनसीईआरटी जानते हैं। उसी तरह से देखिए एनसीईआरटी की बुक्स हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन बहुत बड़े लोग भी एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नहीं जानते, तो आपको पता होना चाहिए क्या फुल फॉर्म है इसका, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यहाँ एजुकेशनल होना चाहिए, ओके, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और ये कब गठित हुआ है, 1961, हम सबका सन भी याद करते चलेंगे। तो एनसीईआरटी का क्या काम है, इट इंट्रोड्यूस द नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क। देखिए आप एनसीएफ का नाम सुना होगा, देखिए कितने सारे टर्म्स हैं जो हमको पता चल रहे हैं, इतने एब्रिविएशन हमको पता होने चाहिए, क्यों? क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम लेमैन नहीं है जिसको बस हल्का फुल्का कुछ नाम पता है नहीं पता चलेगा, उसके लिए तो क्षम्य है, लेकिन हमारे लिए क्षम्य नहीं होगा अगर हम ये सब नाम नहीं जानेंगे। तो इनके फुल फॉर्म, इनके गठन, इनके संगठन किस लिए बनाए गए हैं, क्या उद्देश्य है, हमको पता होना चाहिए। तो एनसीएफ का नाम हम सुनते हैं, तो एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क, यानी कि एनसीईआरटी बताती है कि राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम क्या होगा, और हर क्लास का बताती है कहां से कहां तक का, फर्स्ट से ट्वेल्थ, यानी कि पूरा स्कूल एजुकेशन कवर करती है एनसीईआरटी, है ना। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछते भी हैं कि एनसीईआरटी डील्स विद, तो आपको सेकेंडरी एजुकेशन पे टिक करना है, ओके, सॉरी स्कूल एजुकेशन पे। फिर इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ रिसोर्स सेंटर इन द फील्ड ऑफ स्कूल डेवलपमेंट एंड टीचर एजुकेशन, थोड़ा टीचर एजुकेशन को भी देखती है ये। इसके अलावा ये तो नेशनल लेवल पे हो गया, स्टेट लेवल पे अगर यही काम होगा तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसको एससीईआरटी के नाम से जाना जाता है, और ये क्या करेगी, फोरमोस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ऑल दी स्टेट्स, यानी स्टेट लेवल पे जो संस्था होगी वो एससीईआरटी, ओके। फिर एट सेकेंडरी लेवल स्कूल बोर्ड्स एट स्टेट लेवल एफिलिएट स्कूल्स एंड सेट एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल फ्रेमवर्क। तो स्टेट लेवल पे जो नेशनल फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डेंस में, उसके अनुसार ये स्टैंडर्ड गठित करने का, एग्जामिनेशन कराने का काम करते हैं। फिर इसके लिए एक और नाम हमको पता होना चाहिए, बहुत पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं इसको, क्या, सीबीएसई। कहते हैं ना किस बोर्ड से पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ये तीन मेन बोर्ड चलते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन इधर की साइड, लेकिन सीबीएसई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। देखिए ये बहुत कम लोग जानते होंगे, CISCE फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ये क्या करते हैं, कवर ऑल इंडिया, सारे मतलब ऑल ओवर इंडिया को ये लोग कवर करते हैं, कौन कौन, ये दो मिलके, CBSE और CISCE, एक्सेप्ट किसको छोड़ दिया इन्होंने, NIOS, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, क्योंकि ओपन स्कूलिंग को छोड़कर जितना भी आपका फॉर्मल एजुकेशन है उसको कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी भी कई कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसके कई घटक हैं, कई घटकों से मिलकर बना है, कौन कौन सा, पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली, है ना,
फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, ये बहुत फेमस है, CIET. NIE के बारे में तो कम लोग जानते हैं, पर CIET बहुत फेमस है. फिर फाइव रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आपको पता होना चाहिए कि अब हम इंटीग्रेटेड BEd और इन सबों की बात करते हैं, पर RIEs में बहुत पहले से इंटीग्रेटेड BEd चलता है और ये धीरे धीरे करते हुए पांच जगह हो गया है. कौन कौन सी पांच जगहों पे हमारी रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन के हैं? अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एंड शिलोंग. ये भी आपको पता होना चाहिए कौन से पांच हैं, कितने हैं, है ना, ये सारा RIE का फुल फॉर्म क्या है. फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल का जो है वो भी NCERT का ही घटक है. क्यों? क्योंकि हम जब सेकेंडरी लेवल पे बात करेंगे एजुकेशन की तो वोकेशनल एजुकेशन अपने आप आ जाएगी और सेकेंडरी को कवर कर रहा है NCERT, इसलिए इसमें PSS CVE भी आता है और फील्ड ऑफिसेस इन मेजर स्टेट्स. ओके, फिर अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन को अलग से देखें तो सेकेंडरी एजुकेशन को कौन देखा है सेंट्रल लेवल पे? नेशनल लेवल पे केंद्रीय विद्यालय संगठन. हम सभी ने केंद्रीय विद्यालय का नाम सुना है ना, तो नेशनल लेवल पे केंद्रीय विद्यालय संगठन न्यू दिल्ली रन्स दी केंद्रीय विद्यालय आज, जिसको सेंट्रल स्कूल्स भी कहते हैं. व्हाइल दी नवोदय विद्यालय समिति किसको देखती है? जवाहर नवोदय विद्यालय को. और आपको ये पता होना चाहिए नवोदय विद्यालयों की घटना की मतलब क्यों नींव रखी गई, क्यों ये बनाए गए, कि जो हमारे गांव रिमोट एरियाज और ऐसी जगहों के वो बच्चे जो डिसएडवांटेज्ड हैं, है ना, लेकिन बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, एकेडमिक लेवल उनका बहुत अच्छा है, इंटेलेक्ट बहुत तेज है उनका, लेकिन वो उन जगहों पर अच्छे स्कूल नहीं है, इसलिए वो अच्छी स्कूलिंग नहीं मिल जाने की वजह से उनका वो सब जो टैलेंट है वो बेकार हो जाता है. तो उस टैलेंट के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई और नवोदय विद्यालयों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और केंद्रीय विद्यालय भी आपको पता होगा बहुत नाम है उनका और बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है वहाँ पे, टीचर्स बहुत मतलब रिप्यूटेड है वो जॉब की. आप केंद्रीय विद्यालय में जॉब करते हैं और बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है आपको, कई कॉम्पिटिशन्स मीट करने पड़ते हैं उसके लिए, ठीक है. फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करिए कि क्या है CBSE, किसके अंतर्गत काम करता है. ये काम करता है अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हम बार बार इसको MHRD बोल रहे हैं, लेकिन अब से जब से NEP 2020 लागू हो गया है तब से ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है. इट डील्स विद एक्टिविटीज रिलेटेड टू एफिलिएशन, एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन. यानी कि CBSE क्या क्या करेगा? एफिलिएशन देगा, एकेडमिक्स देखेगा और एग्जामिनेशन कराएगा. और आप तो पता होगा आपको CBSE इवन BEd भी करा देता है, BEd का एग्जाम, है ना, इवन नीट वीट भी कराता है CBSE. एंड इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन एंड रिफॉर्म्स एट द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल सो एज टू ब्रिंग एजुकेशन एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. नीट के अलावा नेट वगैरह भी CBSE कराने लगा है ना. तो बहुत सारे काम है इसके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल्स पे. किस लिए कर रहा है ये सब? कि हम एजुकेशन को, जो हमारी भारतीय शिक्षा है, उसको एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ला सकें. ओके, फिर हमने बात की कि जो MHRD था वो किससे किससे मिलकर बना था? डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन. तो हम लोग ने एलिमेंट्री लेवल पे बात कर ली, सेकेंडरी लेवल पे बात कर ली, अब बात आती है हायर एजुकेशन की. तो हायर एजुकेशन पे 6 सब कैटेगरीज हैं इसके पास. कौन कौन सी? यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, बुक प्रमोशन एंड कॉपीराइट, स्कॉलरशिप्स, लैंग्वेजेस एंड माइनॉरिटी एजुकेशन. ये 6 सब कैटेगरीज डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के पास हैं. ओके, एक मिनट, एक नहीं, ठीक है. फिर टर्शियरी सेक्टर पे द फॉलोइंग बॉडी, टर्शियरी सेक्टर मतलब हायर एजुकेशन लेवल पे, द फॉलोइंग बॉडीज मेंटेन फंडिंग एंड डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स फॉर हायर एजुकेशन एट द नेशनल लेवल. राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी विश्वविद्यालयी शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, उसकी फंडिंग और उसके स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करते हैं कौन है? ये 5 संस्थाएं. कौन कौन सी? UGC, बच्चा जानता है इसको, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. अच्छा देखो, कभी कभी ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, बहुत आसान सा, लेकिन हम उसको गलत कर देते हैं कि वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ UGC. सभी जानते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, लेकिन वो कह देगा किसी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना. तो गलती से हम ग्रांट कमीशन को भी टिक कर सकते हैं, पर हमको ध्यान देना होगा कि ग्रांट नहीं है. फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI, इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ICAR,
एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई। देखो इसमें से यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई बहुत फेमस है, एनसीआई और आईसीएआर इसलिए हम कम जानते हैं क्योंकि हम मेडिकल की फील्ड के नहीं है या एग्रीकल्चर की फील्ड के नहीं, वहां के स्टूडेंट्स वहां के टीचर्स इसको बेहतर जानते हैं। तो ये पांच संस्थाएं नेशनल लेवल पर हायर एजुकेशन की फंडिंग और स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करती है, यानी कि नॉर्मल स्कूल हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी हो गया, जो टेक्निकल एजुकेशन आ जाएगा तो एआईसीटीई का रोल आ जाएगा, जब मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो एनसीआई देखेगी, जब एग्रीकल्चरल एजुकेशन की बात होगी आईसीएआर देखेगा, और जब टीचर एजुकेशन बीएड एमएड की बात हम करेंगे तो एनसीटीई वहां रेगुलेटरी बॉडी हो जाती है। ठीक है, फिर टेक्निकल एजुकेशन, अभी हमने एआईसीटीई की बात की ना, तो एआईसीटीई एक बड़ी संस्था है, हमको पता होना चाहिए इसके बारे में। क्या पता होना चाहिए कि ये एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई कब, 1945 में। इट वॉज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1987, मतलब 1987 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, उसके पहले ये एडवाइजरी बॉडी थी। और ये कब से लागू हुआ, 1987 में मिल गया, लेकिन 1988 से। और मेन फंक्शन क्या है इसका, मेन फंक्शन ऑफ द स्टैट्यूटरी AICTE इंक्लूड प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री, यानी कि भारतवर्ष में टेक्निकल एजुकेशन का डेवलप, कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट, प्लानिंग, व्हाटएवर, सब कुछ AICTE देखती है। फिर बात करेंगे वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा कौन देखता है। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन वाज सेट अप इन भोपाल इन 1993, जो हमने बगुधर बात की थी ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा करके, PSSCVE, वही है ये, टू सर्व एज एन एपिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर वोकेशनल एजुकेशन इन द कंट्री, यानी कि भारत में, हिंदुस्तान में व्यावसायिक शिक्षा देखने के लिए हमने इसको बनाया है। फिर ये क्या, ये कवर करता है, दिस इंस्टीट्यूट्स एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड, किसके अराउंड घूमती है इसकी सारी प्रक्रियाएं, रिव्यू एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, यानी कि कहां कैसे हम वोकेशनल एजुकेशन को इंक्लूड कर सकते हैं, कहां किन किन क्रॉस कटिंग एज में वोकेशनल एजुकेशन आता है। अच्छा, अभी तक हम सारी बातें मेनली फॉर्मल एजुकेशन की कर रहे हैं, अब अगर नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो कौन देख रहा है, सॉरी इट्स लेट इन नाइट एंड I am yawning. Okay, तो थोड़ा सा रह गया। फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या कौन कौन देख रहा है, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्राम इज डन ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस, एट द तीन लेवल पे बात होगी, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे। जो विलेज लेवल पे देख रहा है उसको कहते हैं VEC, यानी वोकेशनल, सॉरी विलेज एजुकेशन काउंसिल, है ना, विलेज एजुकेशन काउंसिल। फिर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डायट्स, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखता है, और SCRTs यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये स्टेट लेवल पे देखती है, एंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन भी। ये तीन संस्थाएं नॉन फॉर्मल एजुकेशन को देखती हैं सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, फिर उसके बाद, अच्छा कोई ज्यादा नहीं है, नहीं About to finish. Okay. अच्छा, हमने बात की थी कि हम दो एपेक्स बॉडी की बात करेंगे, एक NCERT और दूसरी NEPA, इसी को पहले NEPA बोलते थे, तब यहाँ पे था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अब NEPA हो गया है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन। आई थिंक 1995 में ये मिस हो गया मुझसे, लेकिन शायद 1995 में, आप इसे चेक कर लीजिएगा। द इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नाम में ही निहित है कि क्या देखेगा, ये शैक्षिक योजना और प्रशासन के को देखता है, और क्या क्या काम है इसके। दिस इंस्टीट्यूट कंडक्ट्स रिसर्च, ऑर्गेनाइजेस, हम रिसर्चेस कराता है किसके एरिया में, ट्रेनिंग, प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड डिसेमिनेट्स, और प्रसार भी करता है किसका, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, किस पर आधारित, इनोवेशन यानी नवाचार, चेंजेस, परिवर्तन एंड डेवलपमेंट मीन्स विकास, किस किस एरिया में, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यानी सुनियोजन और मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के क्षेत्र में, ये सारा काम देखना किसका काम है, NEPA का, और ये भी सेंट्रल लेवल पे देखा जा रहा है। बस दैट्स इट, थैंक यू। तो आपने देखा कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल लेवल पे कितना व्यापक है, अब इतना जानना जरूरी था क्योंकि अभी तक यही चल रहा था, लेकिन जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसने पूरा आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, और वो बोल रही है बहुत सारी बॉडीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनमें कंफ्लिक्ट है, उनमें बड़ी दिक्कतें हैं, इसलिए वो सब हटाकर
एक मेन बॉडी अपेक्स बॉडी रखेगी और रखने की बात की गई है, उसके चार पिलर्स हैं, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट सेंट्रल लेवल इन इंडिया. ओके, डन.